की कुकिंग से बोल रही है। देखिए ये मैंने चिकन चिली बना रही हूँ। इसमें मैंने एक टीस्पून जिंजर पेस्ट एंड गार्लिक पेस्ट एंड चिल्ली फ्लेक्स और जीरा मिर्च और गरम मसाला मिक्स करके मैंने करके रख दिया था। आधे घंटे बाद इसमें मैंने जब मैं फ्राई करने जा रही हूँ तो इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर मिलाया है 2-3 और मैदा मिलाया है और इसमें एक अंडे डाले मैंने। सबको मिक्स करके रख दिया था। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको ये कर रही हूँ, चिकन को थोड़ा सा फ्राई करके साइड करके रखा मैंने। अब मैं ये चिकन में तेल ऑयल में ग्रीन चिली डाल रही हूँ। के बाद से मैं थोड़ा सा ओनियन डालूंगी। ये मैं देखिए ये मैंने गार्लिक जूस डाला है। शेयर करते हैं लहसुन। हाँ देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा वो जो चिकन के लिए मैरिनेट किया था मसाला मैं डाल रही हूँ इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा चिकन डाल रही हूँ। देख लीजिए मैंने शिमला मिर्च डाल दिया। अब इसे मिक्स करूँगी अच्छा से फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैं इसमें सॉस डाल रही हूँ। एक हाथ से पकड़ना और एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए ये मैंने डाल दिया। ठीक है ये थोड़ा सा मैंने शक्कर डाला इसमें। इसमें डाल दूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल से गुड़ मार देखिएगा। मैंने शिमला मिर्च थोड़ा लास्ट में डाला है ताकि वो ये ना हो खुशबू खतर ना हो। डाल दूंगी थोड़ा सा ग्रेवी करने के लिए सभी को मिला के सब मैंने मिक्स कर दिया एक साथ। अब मैं डाल रही हूँ। अब जल्दी जल्दी चलाऊंगी इसे। और थोड़ा देर धीमी आंच में इसे पकने दूंगी। थोड़ा सा इसमें गार्निश के लिए लीव्स धनिया पत्ता इसे कहते हैं कॉल्ड्रिंक डालूंगी। देखिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो जहाँ भी देख रहे सबको अल्लाह अच्छा। कैसा लगा हमारा चिकन चिल्ली और ये पराठे के साथ बताइएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो जहाँ भी देख रहे सबको अल्लाह अच्छा।